1 अप्रैल 2024 यानी कि कल से देश में लागू हो जाएंगे ये नए नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। हर महीने की पहली तारीख को पैसे से जुड़े नियमों में बदलाव होता है। 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से कई नए नियम देश में लागू होने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो कौन कौन से ऐसे नए नियम हैं जो कि कल से लागू होने वाले हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। पहला बड़ा नियम लागू होने जा रहा है कि आपके SBI डेबिट कार्ड का चार्ज बढ़ जाएगा। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। SBI के कुछ डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया है। अभी तक SBI बैंक ग्राहक डेबिट कार्ड की मेंटेनेंस के लिए सालाना 75 रुपये दे रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। और SBI के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड के लिए मौजूदा 125 रुपये लिए जाते थे, जो कि अब बढ़कर 200 रुपये प्लस GST हो जाएगा। यंग गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड, माई कार्ड, इमेज कार्ड, जिस पर कि फ़िलहाल 175 रुपये प्लस GST लिया जा रहा था, अब वो बढ़कर 250 रुपये प्लस GST हो जाएगा। प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिस पर कि चार्ज 250 रुपये प्लस GST था, वो भी अब बढ़कर 325 रुपये प्लस GST हो गया है। वहीं पर प्राइड और प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड पर पहले 350 रुपये प्लस GST लिया जा रहा था, वो अब बढ़कर 425 रुपये प्लस GST हो गया है। तो अब यदि आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो उसके लिए आपको एनुअली ज़्यादा चार्ज देना होगा, जो कि मिनिमम रहेगा 200 रुपये प्लस GST और अधिकतम रहेगा 425 रुपये प्लस GST। तो ये पहला बड़ा नियम। उसके बाद में दूसरा नियम जो है वो LPG की गैस प्राइस को लेकर है। तो हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर प्राइस की कीमतें तय होती हैं। 1 अप्रैल 2024 को भी LPG की कीमतों का ऑयल मार्केटिंग कंपनियां द्वारा उसका रेट तय किया जाएगा। और इस बार LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की उम्मीदें फिलहाल कम हैं, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से LPG की कीमतों में कमी देखने को मिलने वाली है। तीसरा बड़ा नियम सभी NPS सब्सक्राइबर्स के लिए। तो 1 अप्रैल 2024 से NPS को ऑपरेट करने का सिस्टम बदल जाएगा। सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए इसे पहले से ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। अभी तक निवेशक या यूजर OTP के जरिए लॉगिन करते थे, वह आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए लॉगिन करेंगे, यानी कि अब NPS खाते में भी लॉगिन करने के लिए 2-फैक्टर सिस्टम की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से कर दी जाएगी। उसके बाद में पाँचवा नियम जो कि जुड़ा हुआ है आपके पैन को आधार से लिंक करने से। तो सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको फिर से जुर्माना देकर इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और फिलहाल यदि आप लिंक करते हैं तब भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये ऐसे नए नियम हैं जो कि 1 अप्रैल 2024 यानी कि कल से देश भर में लागू हो जाएंगे, जिनका की असर हर एक आम व्यक्ति से लेकर एक नौकरी पेशा व्यक्ति पर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ।